साल में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्किन वाइटनिंग पर। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट थी तो मैं दोबारा एक और वीडियो बना रही हूँ। उसमें मेडिसिन कुछ चेंज है, स्किन ख़राब हो जाती है गर्मियों के मौसम में अक्सर, और सर्दियों के मौसम में ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्केली से हो जाती है और अजीब सा फीलिंग आती है। कुछ मुंह पे लगाओ भी तो तब भी वो इस तरह की लुक नहीं आती। तो उसके लिए आपको जो मेडिसिन बताऊंगी, आप फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जूसेस पिएं, सब्स पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप पानी का इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे ऑरेंज जूस जो होते हैं वो। इन दिनों में तो ऑरेंज भी बहुत आए हुए हैं सर्दियों के मौसम में, ऑरेंज का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसमें एक गाजर डाल लें, चुकंदर डाल लें और ऑरेंज, इनका जूस निकाल के आप हफ्ते में दो दफ़ा पिए, या अगर डेली पी सकते हैं तो डेली पिए। इसके लिए जो मेडिसिन है, पहली मेडिसिन है सल्फ़र 200 पोटेंसी में आपने लेनी है। ये आपने जब शुरू करेंगे आप मेडिसिन तो आपने ये शुरू में लेनी है, और उस दिन पे आपने कोई दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी, सिर्फ सल्फ़र की आपने लेनी है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ एक दिन पहले, जो मेडिसिन शुरू करेंगे उससे एक दिन पहले इसका इस्तेमाल करना है, और 2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं इसके। इसके बाद अगले दिन आपने बोविस्टा 30 में लेनी है 3 टाइम, इसके भी 2 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। और इसके अलावा बर्बेरियस एक्वाफोलियम है, जो कि आपने नीम गर्म पानी में खाने के 2 घंटे पहले आपने इस्तेमाल करनी है, और ये भी 3 टाइम लेनी है। और इसे आप गुलाब के अर्क में डालकर, हाथ की तेली पर डालकर उसे चेहरे पर भी लगा सकते हैं, जो आपके चेहरे पर निशानात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। एकदम से कुछ जादू तो नहीं होता, लेकिन जब आप रेगुलर आप मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपके तमाम चेहरे की जो झाइयाँ वगैरह हैं वो भी दूर होंगी, और चेहरे पे जो दाग धब्बे वो भी दूर होंगे, और आपकी स्किन जो है, आपका चेहरा जो है ग्लो करेगा। इसके अलावा आपने और कोई क्रीम नहीं लगानी है चेहरे पर, बिल्कुल भी कोई क्रीम वगैरह वगैरह का इस्तेमाल गर्मियों में तो स्पेशली मत किया करें, और सर्दियों में आप कोशिश करें कि बर्बेरियस एक्वाफोलियम को ही गुलाब जल में लगाकर और आप चेहरे पर उसको लगाएं, रुई की मदद से या फिंगर से लगा लें, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली जो भी नई वीडियो होगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।